गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 246 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि एक नई एंट्री खैर हुई है, अब आगे देखते हैं कि महिषा सुर क्या करते हैं, क्या उनके पास पावर है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ऐसे अपनी हथेली पर महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को घाया। पार्वती की दिव्य शक्तियों से सुसज्जित भाले से उसके पास आ गया। कार्तिकेय ने मेरे पुत्र का मेरा पुत्र था अश्रों का खोया हुआ स्वाभिमान। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं कार्तिकेय को ऐसी मृत्यु दूंगा कि शिव और पार्वती दूसरी संतान को जन्म देने के बारे में सोचे भी नहीं। कार्तिकेय घूम रहा है अपने मृत्यु के आने की आहट, आ रहा है महिषासुर। कार्तिकेय को जितनी आवश्यकता तुम्हारे वात्सल्य की है
उससे कहीं अधिक आवश्यकता तुम्हारे संरक्षण की। अति उत्तम। नारायण नारायण। असुरों ने प्रतिशोध हेतु आक्रमण कर दिया है और आप सब यहाँ बेसुध पड़े हैं। क्या आक्रमण? पुनः असुर? कब? कहाँ? अभी अभी कार्तिकीय को अकेला पाकर तारे ने उस पर आक्रमण कर दिया। कार्तिकीय ने उसे मार दिया किंतु मार दिया ना। आपकी बातें छोड़ो, चिंता का क्या विषय है मुनिवर? चिंता की बात यह है देवराज कि जिस प्रकार कार्तिकेय ने उसे मारा वो अत्यंत क्रूर था और जब महादेव उसे रोकने गए तब उसने महादेव से अशिष्ट व्यवहार कर दिया। ये कार्तिकेय भी ना उसे हा? और मुनिवर इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिता और पुत्र के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ना। अच्छा तो देवराज, तारकासुर का युद्ध भी आपसे था, देवों से था, फिर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आप कार्तिकेय को क्यों ले आए? इस समस्या का समाधान केवल कार्तिकेय के पास ही था क्योंकि महादेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल कार्तिकेय ही कर सकता था। चलो, आपने स्वीकार तो कर लिया कि कार्तिकेय के बिना तारकासुर से आपको मुक्ति नहीं मिल पाती। अनजाने में ही सही, आपने कार्तिकेय की महत्ता को मान तो लिया। नारायण नारायण। कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? ओह यार, कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? नहीं तो मैं पार्वती से मिलता कैसे? मैं तुमसे तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारी पत्नी भी छीने जा रहा। तुमने पार्वती की दिव्य सुंदरता तो देखी पर उसकी दिव्य शक्तियों से अनभिज्ञ हो। तुमने फट जाएगी वास्तविकता से। हाथ हाथ उसके बाद शल्य को उसके क्षमता शक्तता समझने की भूल करने वाले तुमने उसके आदि शक्ति रूप की महिमा देखी ही नहीं। अपनी संतान के संरक्षण के लिए आदि शक्ति की प्रचंडता का तुम्हें अनुमान ही नहीं। तुमने सत्य कहा मैं सच, तुम्हारा पार्वती से मिलना पूर्व निर्धारित था क्योंकि स्त्री शक्ति के हाथों तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण निश्चित हो गई थी। जिस क्षण तुमने स्त्री शक्ति का अपमान आरंभ किया था तो की हो तुम।
संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, किंतु देखो हम तुम्हारे लिए खीर ला रहे हैं, सेवन तो करोगे। नहीं माँ, मेरी इच्छा नहीं। अंतिम समय में फायदा हो रहा है मुक्ति का मार्ग। सही बात, दो तीन साथ लेकर तो मरो यार। अवतार का सुर वो इतनी सेना तो लेकर गया है, लेकिन ये अकेले ही आ गए। लेकिन अगर देखा जाए तो अब देवराज इंद्र की तरफ आते हैं तो भाई वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि देखे अब सारी उनकी सहायता की तो कार्तिकेय जी नहीं है, तो उसके लिए होना तो ज़रूरी था कार्तिकेय जी का। लेकिन आसान अब जुटलाया तो नहीं ना भाई जाता, ऐसे तो चीज़ें होती नहीं, आसान भी नहीं, सब चीज़ें ठीक है, हेल्प तो उन्होंने करनी थी। जैसे वो आए हैं, अगर देवराज इंद्र चले जाते माँ देव जी के पास, थोड़ी बहुत बात कर देते, इस तरह चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें कर कुर के अब अपना सुकून से वहाँ पर देखो भाई वो पी रहे हैं, पता नहीं क्या पी रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं भाई अपनी मस्ती में। कि भाई ऊपर आके नारद जी ने अच्छी उनकी की होती है कि उनको एक एक जगाते रहते हैं कि आप जिस जो आपने बातें की है ना वो सब गलत है, और थोड़ी सी भाई उस पर आपको एक शर्म आनी चाहिए। लेकिन भाई आगे क्या करे, कुछ चीज़ बंदा नहीं भी समझता। अब इधर भाई ये काफ़ी एक एक खेल स्टार्ट होने वाला है। महादेव जी ने सही बोला है कि सुंदरता ही आपने देखी है, अगर शक्ति देख ली तो फिर आपको पता चलेगा। ये मूर्ख ही होते हैं असुर भी एकदम से, बस ऐसे ही यार। पहले हम देखते रहे थे कि वो पहले उधर उस साइड के ऊपर वो रावण के थे, वो भी ऐसे मूर्ख ही थे हैं, लेकिन आप इधर आ जाए तो इधर भी भाई जो है ना वो उससे भी बड़े मूर्ख हैं। अच्छा जो लेकिन ये खैर उसको अपना इस चीज के ऊपर गुरूर है थोड़ा सा। अच्छा जो भी है ना, एक तारकासुर को पता था हर चीज का, वो फ्रंट पर नहीं आता था, नहीं उसने काफी मूर्ख रखे हुए थे, उनको भेज देता था जब कोई पता चलता था कि फाइट हैवी है तो निकल जाता था सुकून से इधर से, चाहे उसके पास वरदान था या नहीं था। लेकिन ये बंदा एक अलग हुआ लगता है हमें। देखे भाई कि सीधी लेकिन एक इसके पास वरदान तो जरूर है, नो डाउट। लेकिन आप देखो आगे भाई जरूर है, आगे भी भाई आदि शक्ति है, वरदान है, तो शक्ति आप देखो कि वो सेफ करती है कि नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। मे भी वो यहाँ से बातें मुत करके निकल जाए, क्या पता। बातों वाला नहीं काम होगा, हाथों वाला होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।